सभी को नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर वाई प्रसाद साहू, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा। आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के चतुर्थ इकाई अंतर्गत संज्ञा प्रकरण का अध्ययन करेंगे। संज्ञा प्रकरण संस्कृत व्याकरण का बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है। एक तरह से कहा जाए तो यह इसका आधार स्तंभ है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम संज्ञा प्रकरण प्रारंभ करने से पूर्व संस्कृत व्याकरण शास्त्र के इतिहास के बारे में संक्षिप्त जानकारी हासिल करेंगे। संस्कृत व्याकरण का आरंभ पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ से माना जाता है। इससे पूर्व भी व्याड़ी, चांद्र अनेक व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध होते थे, लेकिन लौकिक संस्कृत का आविर्भाव, व्याकरण का आविर्भाव पाणिनि व्याकरण से ही माना जाता है। वर्तमान में पाणिनि से पूर्व व्याकरणों का उल्लेख ही मिलता है, किंतु समग्र रूप से एक ग्रंथ के रूप में इनकी उपलब्धि प्राप्त नहीं होती है। इस कारण पाणिनि ही सबसे पहले और प्रथम व्याकरणकार माने गए हैं। पाणिनि का समय लगभग ईसा से पंचम या छठा ईसा पूर्व माना गया है। एक किंवदंती के अनुसार पाणिनि लाहौर जनपद के शलातुरिये गांव, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहां के निवासी थे। पाणिनि ने शिव की आराधना करके अपने व्याकरण शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। इस विषय में एक बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नव पंचवारम एतद्विमर्शम सनकादि सिद्धांत एतद्विमर्शम शिवजाल सूत्रम। अर्थात नृत्य के अवसान में जब भगवान ने अपने डमरू को 9 और 5 अर्थात 14 बार बजाया, तब जाके पाणिनि व्याकरण के 14 माहेश्वरी सूत्रों की उत्पत्ति हुई। माना जाता है कि पाणिनि की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने इन 14 माहेश्वरी सूत्रों की व्याख्या पाणिनि को प्रदान की। अष्टाध्यायी में 8 अध्यायी हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। इस प्रकार संपूर्ण अष्टाध्यायी में 8 अध्यायी, 32 पाद और 3,965 सूत्र हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि संपूर्ण पाणिनि व्याकरण में अष्टाध्यायी में 3,965 सूत्र हैं। पाणिनि व्याकरण को त्रिमुनि व्याकरण भी माना जाता है। इसका कारण यह है कि पाणिनि इसके सूत्रकार रहे, पाणिनि के बाद में कात्यायन इसके वार्तिककार रहे और कात्यायन के बाद पतंजलि इसके भाष्यकार रहे। इस प्रकार पाणिनि व्याकरण को त्रिमुनि व्याकरण माना जाता है। पाणिनि का समय ईसा से 5वीं या 6वीं ईसा पूर्व था, जबकि कात्यायन का समय ईसा से 350 वर्ष पूर्व था और पतंजलि का समय ईसा से 100 या 200 वर्ष पूर्व था। इन तीनों मुनि में से सबसे अधिक पतंजलि को प्रामाणिक माना जाता है। कहा भी जाता है, एक सूक्ति भी प्रचलित है, उत्तरोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम, अर्थात पाणिनि से कात्यायन अधिक प्रमाणिक है और कात्यायन से पतंजलि अधिक प्रमाणिक है। ये प्रश्न भी बहुधा पूछा जाता है कि पाणिनाम उत्तरोत्तम मुनिनाम प्रामाणिक किससे संबंधित है, तो यह पतंजलि से संबंधित है। इन तीनों में पतंजलि को सबसे प्रमाणिक माना गया है। अष्टाध्यायी मात्र सूत्रों का संग्रह है। इस सूत्र व्याकरण की व्याख्या अनेक रूपों से उपलब्ध होती है। बाद में जाके पाणिनि अष्टाध्यायी की व्याख्या
में दो आचार्यों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा, भट्टोजी दीक्षित और वरदाचार्य। भट्टोजी दीक्षित ने पाणिनि व्याकरण पे सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ लिखा, बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ। और इनका एक और ग्रंथ है मध्य सिद्धांत कौमुदी, यह भी बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। पाणिनि की दृढ़ता को लगभग भट्टोजी दीक्षित ने सरल रूप में प्रस्तुत कर दिया। अन्य एक और आचार्य है वरदाचार्य, इन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ लिखा। वर्तमान में यही ग्रंथ पठन व पाठन में प्रयोग में लाया जा रहा है। वरदाचार्य ने पाणिनि व्याकरण को 3,965 सूत्रों को संक्षिप्त रूप में कर दिया और लगभग 1,200 सूत्रों में पाणिनि व्याकरण को समाप्त करने का प्रयास किया। लघु सिद्धांत कौमुदी के प्रारंभ में सरस्वती की उपासना की गई है, मंगलाचरण ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए किया जाता है। जैसे नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुणीयां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय। लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी को पाणिनि की अष्टाध्यायी में प्रवेश द्वार माना जाता है। संस्कृत भाषा के अनेक व्याकरण ग्रंथ हैं, जैसे पाणिनि व्याकरण, कातंत्र व्याकरण, चांद्र व्याकरण, मुग्धबोध व्याकरण, वारस्वत व्याकरण आदि। इन व्याकरण ग्रंथों में से पाणिनि व्याकरण श्रेष्ठ और सर्वप्रचलित ग्रंथ है। पाणिनि व्याकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी को प्रवेशिका माना जाता है। वरदाचार्य का मत है कि पाणिनि व्याकरण को पढ़ने में विद्यार्थियों को कठिनाई अनुभव होती है, इसलिए उन्हीं सरल और संक्षिप्त रूप में लघु सिद्धांत कौमुदी में उसकी व्याख्या की गई है। भगवान महेश्वर से उत्पन्न होने के कारण इन्हें माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र कहा जाता है। 14 माहेश्वरी सूत्र जो पाणिनि अष्टाध्याय का मूल आधार है, इसी 14 सूत्रों में संपूर्ण पाणिनि व्याकरण ग्रंथ टिका हुआ है। इनकी संख्या 14 है, जो इस प्रकार है। अ ई ऊण प्रथम, रीण ऋक द्वितीय, ए औंग तृतीय, ऐ औ च चतुर्थ, ह यव रट पंचम, लण षष्ठ, यम गण सप्तम, झ अष्टम, घड़ दश नवम, जब गड़ दश दशम, ख फ छठ थ चट तव एकादश, क प ये द्वादश, श श शर त्रयोदश और हल चतुर्दश। इस प्रकार इन 14 माहेश्वरी सूत्रों पे ही संपूर्ण पाणिनि व्याकरण टिकी हुई है। इन माहेश्वरी सूत्रों का निर्माण भी बड़ा ही वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। इनकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पाणिनि ने इनको एक वैज्ञानिक ढंग से निबद्ध किया है। सर्वप्रथम ऋष्व स्वर आई ऊण रील रिक, फिर दीर्घ स्वर ए ओंग आई ओच, तदंतर अंतस्थ हय वरट लण, फिर सभी वर्गों का पंचम क्रम से पंचम चतुर्थ तृतीय द्वितीय और प्रथम वर्ण लिया गया है और अंत में उष्म व्यंजन रखे गए हैं। इस प्रकार इन 14 माहेश्वरी सूत्रों का एक वैज्ञानिक प्रस्तुत ढंग महर्षि पाणिनि ने किया है। इन सभी माहेश्वरी सूत्रों के व्यंजनों में अ उच्चारण की दृष्टि से रखा गया है, किंतु लण सूत्र के अंतर्गत अनुनासिक अ प्रयोजनवश रखा गया है। अर्थात जब हम आगे र प्रत्याहार बढ़ाएंगे तब हम लण में विद्यमान अ की सार्थकता के विषय में विचार करेंगे। संस्कृत शब्द सम उपसर्ग पूर्वक कृ धातु से त प्रत्यय करके निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है सम्यक रूप से किया हुआ या परिष्कृत किया हुआ। और संस्कृत व्याकरण से हमारी भाषा परिष्कृत होती है। प्राचीन काल में संस्कृत लौकिक व्यवहार की भाषा थी। सभी भाषाओं की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, अतः संस्कृत में भी भाषा होने के कारण सबसे छोटी इकाई वर्ण मानी गई है। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन भाषा के प्रमुख स्तंभ हैं। स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं, इनके उच्चारण में अन्य किसी की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि व्यंजन
अपने मूल रूप में हलंत होते हैं, इनके उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। इसलिए स्वर पूर्ण, स्वतंत्र, निरपेक्ष और निराश्रित होते हैं, जबकि व्यंजन अपूर्ण, परतंत्र, सापेक्ष और पराश्रित होते हैं। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर 9 माने गए हैं, 5 ऋष्व स्वर माने गए हैं और 4 दीर्घ स्वर माने गए हैं। ऋष्व स्वर अ, ई, उ, रि, लृ, ये 5 ऋष्व स्वर है, जबकि ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर माने गए हैं। लौकिक व्याकरण में प्रयुक्त होने वाले स्वरों की संख्या 13 है, किंतु जब हम लौकिक व्याकरण में देखते हैं तो यहाँ पर प्रयुक्त होने वाले स्वरों की संख्या 13 है, जो इस प्रकार है अ, आ, ई, ई, उ, री, री, ली, ए, ऐ, ओ और औ। संस्कृत व्याकरण में व्यंजनों की संख्या 33 है, इनमें 25 क से लेकर म तक के व्यंजन हैं, 4 अंतस्थ है य, व, र, ल, 4 उसमें है श, श, श है। इस प्रकार 25 4 29 29 4 33 व्यंजन माने गए हैं। कुछ व्यंजन मिश्रित व्यंजन माने जाते हैं, जैसे क्ष, त्रैघ्य, ध्य, स्र, क्षवर्ण षटकोण वाले श तथा अ से बनता है, त्र, त और र से बनता है। इस प्रकार ये 5 व्यंजन मिश्रित माने गए हैं। आज के लिए इतना ही। अग्रिम कक्षा में हम संज्ञा प्रकरण के विषय में अध्ययन करेंगे। आज हमने पाणिनि व्याकरण के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त की है। धन्यवाद। सुभाष्ते पंथाने संतु।